Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है. हम पहुंचे हैं लोगों के बीच सच्चाई जानने के लिए. यहाँ पे लोगों से बात करके जानते हैं कि आज इन लोगों का बाबा राम रीम जी बेडेरा सच्चा सौदा के लिए क्या कहना है. नमस्कार. नमस्कार. क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल गुप्ता, गाँव का खराल रहने हूं. कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े? 26 साल हो गए. 26 सालों में आपने किस तरह का माहौल देखा यहाँ पर? 26 सालों के अंदर इतना तगड़ा माहौल बदला है हमारा, कहने सुनने से परे की बात है. छोटे मोटी बात नहीं है. मैं पूरी सास संगत से कहता हूँ यार, अगर इसी नाम को जब जब कहते आज करोड़ों पर काम कारोबार है. जबकि मैं पहली मेरी बुरी हालत इतनी थी कि मेरे पास एकदम चूल्हा भी सस्ता था, इतना किराया. और आज मेरे पास 3-3 गाड़ियाँ, रोलर, 10-10 नौकर एन बाजम है. और मैं हर हफ्ते आता यहाँ पर. और मैं सभी सास संगत को बताता हूँ कि भाई इस नाम को जपो सही, कम से कम जब जपोगे तभी तो लाभ मिलेगा. अरे हम ना जपें तो उससे क्या लाभ मिलेगा? कुछ भी लाभ नहीं है. इतना तगड़ा लाभ है यहाँ भाइयों को और बहनों को भी, एक नहीं सभी के लिए. और बीमारी कैसी भी बीमारी हो, जिसे कहते हैं भाई ये बीमारी खत्म नहीं होने की, ऐसा कोई कारण नहीं है जो बीमारी खत्म रहो. अरे विदाउट दवाई के खरा खत्म हो जाएगी. पर हमें मेहनत कौन करेगा? मेहनत करनी पड़ेगी हमें. रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच उठना होगा और उसके बाद ऐसा करके हाथ मांगना पड़ेगा, हे मालिक मेरी बीमारी खत्म कर दो. बीमारी खत्म हो जाएगी 1 घंटे नाम जपो. अगर बीमारी धोर रहे तो मैं कान पकड़ ले मेरे आगे. सर आप जो बता रहे हो, लेकिन लोगों ने तो कुछ और देखा है, लोगों को तो कुछ और जानते हैं वो डेरा सच्चा सौदा को, उनको क्या बताओगे? उनके वे सब कुछ सारे का सारा ही गलत है. उसमें से 1% भी सही नहीं है. 1% भी सही नहीं, जो उसमें 1% भी सही हो. ये तो सब जालसाजी बनाकर इसका कारण क्यों करा इन्होंने? इन्होंने इस वजह की हमारे पिताजी को अंदर किया है. कहले भाई कल को डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी ये पूरा देश घेर लेंगे, तो इसलिए इन्हें फंसाओ किसी तरह, अच्छी इन्हें जेल में डाल दो. अन्यथा तुम्हारी राजनीति, तुम्हें प्रधानमंत्री कोई नहीं बनने देगा. जो प्रधानमंत्री बनेगा तो राम रहीम सिंह बनेगा, कि जो भी एक बार यहाँ आ जाता है और नाम को जब कहता है वो इन्हीं का हो जाता है. तो इन्हें गवर्नमेंट को इसका ऐसी क्या पावर है इनमें? इनमें उनमें ईश्वरीय ताकत है. जैसी भावनी ईश्वरीय ताकत है, जैसा चाहते हैं वैसा होता है. और यहाँ तक का उदाहरण है हमारे वश में कि जो आदमी मर गए ना उसको भी जिंदा कर देते हैं, इतनी बड़ी ताकत है. वैसी नहीं है कि खमखावे एक के पीछे एक साधन के पीछे आप अपने समझ लो, एक साधारण पीछे आदमी आ जाए, कोई एक साधारण आदमी के पीछे आ जाए पब्लिक इतनी. और अब तो जेल में अब तो आने का मतलब कुछ नहीं है. और हमारी संख्या ढोल कितनी है? और ये यही नहीं, सब जगह दोबारा इसी प्रकार की संख्या जाती है. ये तो इन्होंने, और ये आज से नहीं संतों पर, आज से पहले भी शम सबरेज की खल तो डाली गई. गुरु अर्जुन देव जी की तत्ती तो बैठा कर तो गर्म रेत डाला गया. गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया गया. गुरु गोविंद सिंह के दोनों को चिन्ह चिन्हा दिया गया. और मंसूर को फूली सूली पर चढ़ा दिया गया. ईसा मसीह को कील ठोक दी गई हाथ में. इतने जुल्म तो इन्होंने पहले से करते हैं, कोई आज की नई बात नहीं है. ये आज पहले से. और ये बात तो पिताजी ने हमारे पहले किताबों में लिख दी कि ये समय आने वाला है. और सर संत कहते हो आप इनको, संत ने समाज के लिए क्या काम किया? समाज के लिए जितना मैं तुम अभी किताब दिखाऊँ, मेरे पास लिखे किताब में मौजूद है. मैं ले रहा हूँ सब सामान, ले रहा हूँ जेल में अपने. मैं संगत को बताता भी हूँ, समाज के लिए इतने तगड़े प्रोग्राम चला रखे कि कहने सुनने से परे की बात है. एक आध नहीं, किताब है मेरे पास, ये देख लो, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको. इतने बेतुके काम कर रखे हैं. और हर संगत को समझाने के लिए भी हर प्रकार की कोशिश है. और जबकि एक आदमी अपने बच्चे को नहीं सिखा सकता, हमारी किताबों में खोल कर लिख के दे रखा है कि उसे पढ़ के देख लो, हमें बच्चे के साथ में कैसे व्यवहार करना है, हमें समाज में कैसे व्यवहार करना है, बहनों के साथ में कैसे व्यवहार करना है, भाइयों के साथ में कैसे व्यवहार करना है. ये सब कुछ हमें सत्संग के अंदर उसमें किताबों में देखा. मैं ले रहा हूँ किताब मौजूद. समाज को कितनी जरूरत है आज उनकी? समाज को 100% जरूरत है, 101% जरूरत है उनकी. बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए ये वो लोग हैं जो आज बुजुर्ग अवस्था में है, कितने समय से डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए हैं, ये क्या बता रहे हैं यहाँ की सच्चाई, और आपने क्या देखी? आपकी राय भी जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी क्या राय है जो ये लोग बता रहे हैं और जो सूत्रों के नाम पर आपने देखी. जुड़े रहिए और ऐसी सच्ची बातें, सच्ची कहानियां जानने के लिए द फैक्ट टाइम के साथ. धन्यवाद.